साहब, साल भर से आ रहा हूँ, नहीं जुड़ रहा राशन कार्ड में नाम। वृद्ध ने सुनाई रो रो कर आप बीती। बाहुरे जिम्मेदार, राशन के लिए एक वर्ष से वृद्ध लगा रहा चक्कर। आजकल का मिल रहा आश्वासन। खबर प्रयागराज के मेजा से, रिपोर्टर चंद्रदीप सिंह। जहां केंद्र में मोदी सरकार व प्रदेश में योगी सरकार गरीबों के लिए निःशुल्क अन्न देने का वादा पूरा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तहसील में बैठे अधिकारीगण उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे ही मेजा तहसील में राशन के लिए एक वृद्ध करीब एक वर्ष से जिम्मेदारों का चक्कर लगा रहा है। उसे राशन की बजाय सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जिससे असहाय वृद्ध चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया है। जिम्मेदारों को तनिक भी रहम नहीं आया। देखा जाए तो कोरोना काल से अब तक निःशुल्क अन्न योजना गरीबों के पालन पोषण के लिए मददगार साबित हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि मेजा विकास खंड के बंधरवा गांव निवासी असहाय वृद्ध श्रीधर हरिजन को राशन नहीं मिल रहा है, जिससे वह राशन के लिए मेजा सप्लाई इंस्पेक्टर व संबंधित जिम्मेदारों के पास एक साल से चक्कर लगा रहा है। उसे राशन के बजाय आश्वासन मिल रहा है। वृद्ध श्रीधर का कहना है कि आजकल करते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं किए, जिससे वृद्ध सरकारी राशन से वंचित हो गया है। लोगों का कहना है कि राशन कार्ड जुड़वाने के लिए हम लोग ऑफिस में जाते हैं, तो वहां बैठे कर्मचारी कहते हैं कि आप ऑनलाइन करा लो, उसके बाद हो जाएगा। ऑनलाइन कराने के बाद भी राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ता। ये प्रक्रिया करते करते समय बीतता जाता है। एक बार फिर पहुंचने पर कर्मचारियों का वही कहना होता है कि आप नए तरीके से ऑनलाइन करा लीजिए। एक गरीब आदमी 4 से 5 बार ऑनलाइन कराकर जब ऑफिस में पहुंचता है, तो राशन कार्ड में अपना नाम न होने से निराश हो जाता है। अगर ऐसे ही राशन कार्ड में नाम जुड़वाना पड़े, तो गरीब आदमी कितनी बार ऑनलाइन कराए और कितनी बार ऑफिस जाए। उपरोक्त में चल रहे वीडियो क्लिप को आप देख सकते हैं कि वृद्ध किस तरह से रो रो के अपनी बात को बयान कर रहा है। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं जात का चवार हूँ, गरीब आदमी। मेरी ये 80 साल की उम्र है। मैं श्रीधर, मेरा नाम है। पिता का नाम महादेव है, सरकार। मैं जात का चवार हूँ, गरीब आदमी हूँ। कोई चीज की व्यवस्था नहीं है सरकार। कुछ सुविधा नहीं है आपको? कुछ नहीं सुविधा है। तहसील के चक्कर काटते हैं बस? बस आए भी ही आते हैं। और क्या नाम है वो सप्लाई इंस्पेक्टर सुन नहीं रहे हैं? सप्लाई इंस्पेक्टर साहब यही कहे हो जाएगा। कितने साल? एक साल हो गया। दौड़ते हो गया सरकार, हम क्या कहें। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।